हेलो ओके गया आपको सुबह से है कहाँ बता के नहीं जा सकते आप और ये पेपर्स आप मेरे पास क्यों छोड़ के गए बहुत हो गया मैं फाड़ दूंगी यहाँ इनको अरे तुम फाड़ क्यों रही हो तुमने खुद तो साइन किया उस पे तो आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की मैंने निभाई ना साइन कर दी मैंने पेपर्स आप फाड़ देते भाई को मैं खुद फाड़ना चाहता था उसे मुझे लगा तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो मैं क्या चाहती हूँ ये तो आपको पता ही नहीं है समझे आप अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो यार हो गई गलती आई एम सॉरी मैं गुस्से में था किस पे गुस्सा आ गया था आपको तुम पे और किस पे इसे भी गुस्सा तो उसी पे आता है ना जिससे क्या क्या हो गया कहाँ खो गया है वकील साहब कुछ बोल रहे तुझसे पेपर्स पढ़े सारी शर्तें आप स्ट्रेस क्यों ले रही हैं मैं हूं ना आपके साथ मैं ये पूरे पेपर्स पढ़ लूंगा जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एक जरूरी काम है मैं 5 मिनट एक्सक्यूज मी विराट को क्या हुआ अरे भाभी ये क्या है ये व्रत का खाना है व्रत वाला खाना कुछ स्पेशल है क्या अरे वो आज हरतालिका तीज है ना तो व्रत रखा है मैंने तो आई ने सारा खाना भेजा मैंने काला व्रत केड़ा व्रत सारा दिन ठूस ठूस के खाते रहते हैं ये सब बहाने हैं अच्छा अच्छा खाने के आप अच्छा खाने का बहाना भी है लेकिन व्रत करने की एक और वजह भी है अब सुहागन औरतें ये व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनकी पति की उम्र लंबी हो और कुंवारी लड़कियां ये व्रत इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिवजी जैसा पति मिले ऐसा लोगों का मानना है कि इसी दिन पार्वती जी की कठोर तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनसे वादा किया था कि हर जन्म में वो उन्हीं से शादी करें ओ तू रहन दे ओ सानू ज्ञान ना दे असी भी दिल्ली वाले हैं अपनी उम्र में हमने भी बहुत व्रत किए हैं हाँ बेबी तभी तो दादू आपको माई डार्लिंग कहते थे